कानपुर देहात के 12 टोल प्लाजा की मनमानी से एम्बुलेंस को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि इटावा कानपुर नेशनल हाईवे 12 टोल प्रशासन की ओर से हो रही मनमानी के चलते एम्बुलेंस घंटों लेन में फंसी रही, जिसकी वजह से एम्बुलेंस में बैठे मरीज को काफी परेशानी उठानी पड़ी। कानपुर में विशाल धनुष भंग के नाम पर आस्था के मंच पर अश्लीलता परोसी गई। बता दें आपको, इस कार्यक्रम पर प्रशासन की ओर से रोक लगाने के बावजूद भी यहां पार बालाओं के ठुमके लगे। वहीं से देखने के लिए भारी संख्या में महिलाओं, पुरुषों समेत बच्चों का जमावड़ा दिखाई दिया। आपको बता दें कि योगी सरकार की ओर से धार्मिक आयोजनों पर अश्लील नृत्य करने पर पहले से ही रोक लगा दी गई है, लेकिन कार्यक्रम आयोजकों की ओर से सरकार के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए इसमें पार बालाओं के ठुमके लगवाए गए। यूपी के पीलीभीत जनपद पहुंचे सपा के वरिष्ठ नेता अबू आजमी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार में सीए और एनआरसी कानून लागू करने को लेकर हिंदू मुस्लिम के बीच आपस में मतभेद करने का आरोप लगाते हुए मंच से मोदी जी की मां का सर्टिफिकेट पेश करने की बात को कहते हुए बीजेपी सरकार में मुस्लिम का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। साथ ही प्रदेश में 2022 में एक बार फिर से सपा सरकार बनाने की बात कहते हुए बीजेपी को गद्दी से उखाड़ फेंकने की बात भी उन्होंने कही। देश से सांप्रदायिकता को ख़त्म करना है, हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब को लाना है और इस देश के आखिरी आदमी को दो रोटी मिले, मंदिर मस्जिद का नाम पर नहीं बटना है। ये झूठे लोग जिन्होंने 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात किया था, ये सारी इंडस्ट्री और फैक्ट्री बेच रहे हैं, नौकरी कहाँ से देंगे ये। जिन्होंने नोटबंदी के बाद कहा था कि आतंकवाद, अरे बंद करो ना, उन्होंने कहा था कि नोटबंदी के बाद आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा। मैं आतंकवाद बढ़ गया, रोज़ाना सुबह टीवी खोलो तो कश्मीर के अंदर रोज़ाना आतंकवादी और हमारी फौज से झड़प हो रही है। किधर आतंकवाद ख़त्म हुआ, किधर महंगाई ख़त्म हुई, किधर बैंक में पैसा आया। इन सब चीज़ों को लेकर मैं आया हूँ कि भाई लाल टोपी के लोग, क्रांतिकारी लोग निकल चुके हैं, सब इकट्ठा हो जाओ, काले टोपी वालों को हराओ, इस दोष को बचाओ।